हेलो दोस्तों, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं सिविल कंस्ट्रक्शन नॉलेज। तो दोस्तों, मैं आपको आज कुछ ऐसा मकान दिखाऊंगा जो कि ये दिल्ली में बहुत ही छोटा मकान है, करीब 6 गज का है। 6 गज मतलब होता है कि ये 54 स्क्वायर फीट का ये मकान है। तो आज मैं आपको ये दिखा रहा हूँ 54 स्क्वायर फीट का मकान। तो ये देखिए, हमारे सामने कुछ इस तरह का ये 54 स्क्वायर फीट का मकान है जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। इसका बाहरी लुक आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा लुक है। तो दोस्तों, मैंने इनको मकान मालिक को प्रयास किया था खोलने के लिए कि दरवाज़ा खोल दे, लेकिन दरवाज़ा खोले नहीं है और हम दूर से आए इसको देखने के लिए। तो कोई बात नहीं है, हम आपको बाहर से इसका लुक दिखा देते हैं कि किस तरह से दिखता है और कैसा रहता है। ये करीब 54 स्क्वायर फीट का मकान है, आप इसका लुक देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए किस इस तरह से मकान बना हुआ है 54 स्क्वायर फीट में, करीब 6 गज का करते हैं इसको, 6 गज मान लीजिए या फिर 54 स्क्वायर फीट मान लीजिए इसको। 54 स्क्वायर फीट में ज़मीन बना हुआ है। इसकी लंबाई चौड़ाई आप देख ही रहे करीब लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो दोस्तों, हमने मकान मालिक से बहुत ही प्रयास किया है कि यहाँ पर थोड़ा सा खोल दे, अपना अंदर का दिखा दे, लेकिन बोलते हैं कि यहाँ पर बहुत लोग आते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए वो दिखा नहीं रहे हैं। तो इसकी लंबाई चौड़ाई आप देख ही रहे कितना है, ये कुछ इस तरह से बना हुआ है, आप देख ही सकते हैं। बगल में एक रूम मकान बना हुआ है, ये इसका डिज़ाइन बहुत अच्छी है, आप देख ले रहे हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बहुत दूर से आए लेकिन हमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। तो कोई बात नहीं है, ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पे तो डिस्टर्ब हो जाती हैं थोड़ा सा, तो दिखा नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, देखिए इस तरह से डिज़ाइन बना हुआ है, ये 3 मंजिला बना हुआ है। इसमें एक क्या एक नीचे वाले में सीढ़ी है बाथरूम है, और ऊपर वाले में बेडरूम है, और शायद तीसरे वाले में किचन भी है, लेकिन हम दिखा नहीं पाए आपको। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं आप जिस तरह से डिज़ाइन इसका, बहुत ही अच्छा लुक बना हुआ है। ये दिल्ली में है, हम भी खोजते खोजते बहुत दूर से आए मगर हमें इसका सप्लाई नहीं मिला अच्छे से, और फिर भी हम बाहर से आपको दिखा दे रहे हैं कि बाहर से कैसा दिखने में लगता है। तो दोस्तों, ये था हमारा कुछ एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करिएगा, और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि मैं ऐसे ही कुछ आपको नॉलेज हमेशा देता रहूँ। दोस्तों, इसकी लंबाई चौड़ाई करीब है, हमारे हिसाब से आई थिंक मैं नापा तो नहीं हूँ, लेकिन इसकी लंबाई चौड़ाई करीब 10 बाई 5.5 या 6 है इसकी लंबाई चौड़ाई, समझेंगे। तो देखिए 10 फीट ऐसे है, और ये देखिए 5-6 फीट ऐसे है, मतलब 54 स्क्वायर फीट है, ये 54 स्क्वायर फीट इसको बोला जाता है। तो ये कुछ इस तरह से इसका मकान बना हुआ है, 3 मंजिला मकान बना है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर जाने की अनुमति नहीं मिला क्योंकि यहाँ पर बार बार लोग आते हैं, वीडियो बनाते हैं, बहुत सारे आदमी आ चुके हैं, बहुत सारे यूट्यूबर भी आ चुके हैं। तो दोस्तों, कोई बुरा मानने की बात नहीं है, कुछ लोग अपने अपनी चॉइस होती है।